अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर को औद्योगिक नगर घोषित किया जाए अथवा नगर निगम, इस पर बुधवार को जनसुनवाई की गई। प्रशासन द्वारा इस जनसुनवाई में शहर को औद्योगिक नगर घोषित कर इसका विस्तार करने पर आम सहमति बनी। उपायुक्त कार्यालय में आयोजित उक्त जन सुनवाई में उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल, नगर सचिव अजय कुमार सिंह, सांसद विद्युतवरण महतो, राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमुचू, विधायक बन्ना गुप्ता, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने भी भाग लिया। बैठक में नगर निगम पर सहमति नहीं बनी, जबकि अधिकांश लोगों का समर्थन औद्योगिक नगर घोषित करने पर था। के लिए तैयार हो गई है क्या? हम लोग पिता पानी देने के लिए तैयार है, पर बाकी जो लीगैलिटी है हम लोग को देखना है। बट आप लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट खेलो मारे बोले सर सर वापस लेने के लिए हम लोग को देखना की टेक्निकलिटी क्या है। पानी पीने में आप लोगों ने दिया है वो तो पहले बस्ती 86 बस्ती हम लोग पानी बोले पहले, उसके बाद जब ये इसका बात हुआ। आज सर क्या कहा आपने? मामला है कि इंडस्ट्रियल टाउन बने उसको मानकों को शामिल किया जाए, उसके पक्ष में है हम, मानकों को उसमें शामिल करके मानकों का डेवलपमेंट होना चाहिए। जिस तरीके से जमशेदपुर का डेवलपमेंट हो रहा वैसे ही मानकों का भी होना चाहिए, और इंडस्ट्रियल टाउन बने इसके हम लोग कई विरोधी रहे। 50% जो है चुनाव 25 कुछ लोग का प्रस्ताव का। देखिए आज हम लोगों ने यहाँ पर बैठक बुलाया था, और आज के बैठक का मुख्य जो मुद्दा था ये था कि माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील नंबर 467/2008 जो फाइल किया गया है उसमें 2 सितंबर को अभी आदेश पारित हुआ है कि राज्य सरकार ये बताए कि क्या जमशेदपुर को औद्योगिक नगर घोषित करना है, राज्य सरकार का इसमें क्या मत है। और दूसरा ये है कि यदि औद्योगिक नगर घोषित किया जाएगा तो उसको चलाने के लिए जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में उसका कंपोजिशन क्या होगा, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, उसके सदस्यगण कौन कौन से लोग होंगे। तो मुख्यतः ये दो मुद्दा को लेकर के आज हम लोगों ने यह बैठक बुलाया था, जिसमें कि सभी माननीय सांसद, विधायकगण, टाटा स्टील के प्रतिनिधि, सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि और जो यहाँ पे लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इत्यादि हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। ये मामला जो है असल में किसके मताधिकार का है, लेकिन यहाँ पर किसका मताधिकार की बात ना होकर इंडस्ट्रियल टाउन की बात हो रही थी। लेकिन और एक चीज़ है कि वहाँ जितने भी लोग थे उसमें अधिकांश लोग ऐसे थे जो टाटा स्टील का पक्षधर थे, बहुत कम ही लोग थे जो जनता की बात कर रहे थे। तो खैर हमको मौका मिला, हमको सौभाग्य से हमको इन्वाइट किया गया था और हमने जनता की बात वहाँ रखी। हमने कहा कि बिना तीसरा मताधिकार के सवाल ये नहीं है कि जमशेदपुर नगर पालिका बने, इंडस्ट्रियल टाउन बने, पंचायत बने कि गांव बने, कौन सुविधा देगा। सवाल हम लोगों का ये है कि यहाँ के लोगों को संविधान प्रदत्त जो तीसरा मौलिक अधिकार है वोट देने का, तीसरा वोट देने का अधिकार है जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 89 में हम लोगों को दे दिया है। जुगसलाई बलदेव बस्ती स्थित नव प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा पठन पाठन तो कराया जा रहा है, पर जहां तक मध्याह्न भोजन का सवाल है उसे देख किसी की खाने की इच्छा ही मर जाएगी। जुगसलाई स्थित नव प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि कितनी अव्यवस्था और अनियमितता बरती जा रही है। सेंट्रल किचन से आने वाले भोजन मेन्यू के मुताबिक परोसी जाती है और गुरुवार को मटर पनीर का मेन्यू था, पर बच्चों की थाली में मात्र दाल भात परोसे जा रहे थे, वो भी काफी घटिया स्तर के। इतना ही नहीं, बच्चे कुत्ते, बिल्ली, बकरी व अन्य मवेशियों के साथ बैठकर भोजन करने को मजबूर दिखे। पैंतालीस 50 इस तरह का बच्चा संख्या में आते हैं और मध्याह्न भोजन सेंट्रल किचन से आता है। क्या क्या लेते हैं? वो मतलब अपना मेनू है, सब दिन का अलग अलग मेनू आज का। दीपक क्या खाया? चना। क्या खाया? आलू दाल भात।
18 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा LBSM कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा व नारेबाजी की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेजों में सुरक्षा व्यवस्था, बाहरी तत्वों के प्रवेश पर रोक, पुस्तकालय प्रयोगशाला, पेयजल समेत 18 सूत्री मांगों को लेकर 15 सितंबर को VC का घेराव करेगा। उनका नेतृत्व सूरज कुमार कर रहे थे। माता की जय, भारत माता की जय। इसमें पानी पीने की उत्तम व्यवस्था करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारे कॉलेज में पानी पीने की उत्तम व्यवस्था करना होगा, करना होगा। हमारे कॉलेज में जनरेटर को चालू करो, चालू करो, चालू करो, करना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद की ओर से पूरे राज्य में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसी को लेकर हम लोग LBSM कॉलेज में एक धरना प्रदर्शन रखे हुए, जिसमें 18 सूत्री मांग है, जिसमें जैसे कि पानी की व्यवस्था, हमारे कॉलेज में गार्ड की व्यवस्था नहीं है, साइंस लेवल ठीक नहीं है, प्रयोगशाला है बट वहाँ प्रयोगशाला प्रयोगशाला की तरह नहीं है, और फिर हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। जो 18 सूत्री हमारी मांग रखी गई है उस मांग को लेकर हम लोग 15 तारीख को BC का भी घेराव करेंगे और 24 सितंबर को हम लोग राजभवन का घेराव करेंगे। जमशेदपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में पत्रकारों के अलावा राजनीतिक व प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी बढ़कर भाग लिया। रेड क्रॉस भवन में आयोजित जमशेदपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित प्रथम रक्तदान शिविर में लगभग 300 इकाई रक्त संग्रह हुआ। शिविर में न केवल पत्रकार बल्कि प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, कारपोरेट जगत से जुड़े लोग, TBPL के निदेशक प्रवीण सिंह, गुड्डू गुप्ता, हलीम अहमद, न्यूज टाइम्स के प्रोडक्शन इंचार्ज मोहम्मद वसीम के अलावा CRPF और RAF के जवानों ने भी बढ़कर भाग लिया। आज पहली बार प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इसके पहले भी पिछले साल ये ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था, पर वो सब हम लोग मिल के गया था, उस वक्त कोई बैनर नहीं था। ये बैनर के तले पहली बार हो रहा है। इस बार हम अपने मित्र जय कुमार जयप्रकाश के नाम से कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल में उनकी देहांत हो गया था, बहुत कम उम्र में ही उनका देहांत हो गया। इसके लिए उन्हीं की याद में हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। कितनी टारगेट लेके चल रहे हैं? टारगेट अभी हमारे लगभग 250 का टारगेट लेके चल रहे हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन में पार्किंग को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नए ठेकेदार पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और ड्रॉपिंग करने आने वाले लोगों से और वाहनों से भी शुल्क लिया जा रहा है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग विवाद बहुत पुराना है। दबंगों के हाथों पार्किंग होने के कारण कई बार यहां अप्रिय घटनाएं भी हुई। इधर नए ठेकेदार गणपति इंटरप्राइजेस द्वारा अनियमितता की शिकायतें आने लगी है। यहां पार्किंग में सुविधा के नाम पर शेड तक नहीं है। दो चक के वाहनों के 5 रुपए, 3 चक्का वाहन के 10 रुपए और 4 चक्का वाहन से 15 रुपए शुल्क लिए जा रहे हैं। ये शुल्क 6 घंटे के लिए है, लेकिन ड्रॉपिंग के लिए आने वाले वाहनों से भी शुल्क ले लिया जा रहा है, जो एक बार फिर बड़े विवाद का कारण बन सकता है। अभी गाड़ी बाइक लगता है उसके लिए मान लीजिए रेलवे टेंडर जो भी जितना भी अपना रेट लगाया है उस हिसाब से वो ज्यादा है, ज्यादा होने के कारण जो भी यहाँ बाइक लगता है उसको कोई सुविधा नहीं है। क्योंकि गाड़ी रखने का कोई ढंग है, गाड़ी इधर गिर जाता है, कभी उधर हो जाता है, सीट एक बनना चाहिए। गाड़ी नहीं हो रहा, पूरा पानी भर गया है, गाड़ी का भी हालत बहुत खराब है सर, अभी चल चल के जाना पड़ रहा है। जो रुकने लाइन में घुसी है, पार्किंग लाइन में घुसने से बोलने से बोलता है कि DRM से बात करो, साहब से बात। आपने पैसा दिया? हम पैसा दिया। कितना दिया? 10 रुपए। कितना देर के लिए लिया? 1 मिनट के लिए।